हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक प्रोजेक्ट्स। ये हमारी थर्ड वीडियो है गेस द आउटपुट सीरीज की। आज की वीडियो में हम सिंपल एक और बेसिक क्वेश्चन सी प्रोग्रामिंग का डिस्कस करेंगे। देन कल से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इंटरमीडिएट होंगे या एडवांस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इसमें दो वेरिएबल्स ऑलरेडी दे रखे हैं जिनमें कुछ वैल्यूज असाइन है। देन एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट चल रही है, फिर एक अगेन प्रिंट एफ स्टेटमेंट चल रही है। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आउटपुट क्या है। इस टाइम पे आप स्क्रीन को पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। आई होप आपने स्क्रीन को पॉज करके इसे ट्राई करने की कोशिश की होगी। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। सबसे पहले, ये कोई एरर नहीं है। अगर किसी ने आज तक इस तरह की प्रिंट एफ स्टेटमेंट ना यूज़ की हो जिसमें प्रिंट एफ के अंदर परसेंट डी या और कह सकते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर एक ही बार यूज़ करा है लेकिन ब्रैकेट्स दो यूज़ करें हैं, तो सबसे पहले ये वर्क कैसे करेगा? जैसे ही कंपाइलर प्रिंट एफ स्टेटमेंट पे आएगा, सबसे पहले उसे परसेंट डी दिखेगा। इसका मतलब कि उसे पता चलेगा किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो सबसे पहले वाला ब्रैकेट एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले वाले ब्रैकेट में क्या पास हो रहा है? ए प्लस वन। ए की ऑलरेडी वैल्यू कितनी है? 20। और 20 प्लस 1 कितना हो गया? 21। तो कंपाइलर प्रिंट कर देगा 21। देन उसके बाद सेकंड ब्रैकेट आएगा, लेकिन इस टाइम पे कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर का काम अब खत्म हो चुका है। तो इस टाइम पे बस b की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। b की वैल्यू ऑलरेडी 30 है, लेकिन इस टाइम पे हम b की वैल्यू में क्या चेंज कर रहे हैं? a प्लस 3। मतलब कि अब b का 30 से कोई लेना देना नहीं है। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब? 20 प्लस 3। जब अगेन प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट चलेगी और उस टाइम पे जब हम b की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो b क्या प्रिंट करेगा? 23। आई होप आप सबका आंसर सही आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आपको शायद सब समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। थैंक यू।